मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में जो कावेरी नदी है वो इसी जगह पे नर्मदा नदी में आकर मिली है और दो नदियों का संगम हुआ है। ये अब हम कावेरी नदी में आ चुके हैं दोस्तों, नर्मदा नदी से अब हम कावेरी नदी में आ चुके हैं। हम नर्मदा नदी को उधर जो आप देख रहे हैं नर्मदा नदी है और उधर जो है हम कावेरी नदी में है दोस्तों। तो ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी है, कलकल बहती हुई नर्मदा नदी का पानी, और यह पूरा मैं व्यू दिखा रहा हूँ और मौसम भी बहुत सुहाना है यहाँ पर। और मेरी आवाज थोड़ी सी हवा के कारण यहाँ धीरे हो रही होगी, तो आप एंजॉय करिए इस वीडियो को। हेलो दोस्तों, आज मैं आ चुका हूँ ओंकारेश्वर और यहाँ से मैं आप सभी को स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों अभी मैं एक नाव में बैठा हुआ हूँ बोट पे और यहाँ से दिखाने वाला हूँ दोस्तों कि क्या खूबसूरती है इस ओंकारेश्वर की। आप देख सकते हैं सामने वो ब्रिज है, जब आते होंगे आप तो वहाँ से एंट्री होती होगी आपकी, और इधर मंदिर है वो। और अभी मैं बोट पे हूँ और यहाँ से दोस्तों जो यहाँ पर संगम है कावेरी का, नर्मदा नदी का, उधर जा रहा हूँ और यहाँ से मैं पूरी खूबसूरती आपको दिखाना चाह रहा हूँ दोस्तों। ये आप देख सकते हैं, ये आप देख पा रहे होंगे कि मंदिर के पास से ये पूरा परिक्रमा करवाने का एक प्रति व्यक्ति 200 रुपये लिए, और ये जो है संगम होते हुए ले जाएंगे। और ये अभी मशीन चालू हो गई है बोट, ये दोस्तों चल रहे हैं और आपको अभी हम ले चल रहे हैं दोस्तों, ये आपको ले चल रहे हैं अब हम कावेरी संगम की ओर, जहाँ पे कावेरी नदी और नर्मदा नदी का संगम होता है। और ये आप देख सकते हैं दोस्तों क्या खूबसूरती नज़ारा है, और आप भी आ सकते हैं। और ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं दोस्तों, ये पहाड़ के चारों तरफ ही हम घूमेंगे और वापस उधर डैम होते हुए वापस लौट जाएंगे दोस्तों। ये आप देख सकते हैं, तो ये खूबसूरती आप देख सकते हैं दोस्तों। ये ओंकारेश्वर नदी, जो ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी है, कलकल बहती हुई नर्मदा नदी का पानी, और ये आप पूरा मैं व्यू दिखा रहा हूँ और मौसम भी बहुत सुहाना है यहाँ पर। और मेरी आवाज़ थोड़ी सी हवा के कारण यहाँ धीरे हो रही होगी, तो आप इंजॉय करिए इस वीडियो को, क्योंकि ये नर्मदा नदी की बीच से, नर्मदा नदी की जो धारा है उसको चीरते हुए ये बोट जो है संगम की ओर जा रही है। और उसी पे संगम है दोस्तों जो कि कावेरी नदी नर्मदा नदी में आकर मिलती है वहाँ पर। और ये पहाड़ है दोस्तों, ये पहाड़ के चारों तरफ ही हम परिक्रमा लगाने जा रहे हैं, नर्मदा नदी से होते हुए कावेरी नदी को जाएंगे। तो दोस्तों हल्की बारिश भी आ चुकी है और मैं संगम पर पहुंचने वाला हूं, तो आप भी ये नर्मदा नदी पर, ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी पर जो और कावेरी नदी के बीच में संगम है, और ये देख सकते हैं कितनी ज़ोरदार यहां पर फ्लो हो रहे हैं नर्मदा मैया। आप पानी मेरे ऊपर आया दोस्तों, नर्मदा नदी का, नर्मदा शानदार यहाँ फ्लो हो रही है। और यही है दोस्तों, आप देख सकते हैं कितनी भयंकर तूफान हमें दिख रही है यहाँ पे नर्मदा नदी। और आगे जो है ओंकारेश्वर में, मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी और कावेरी नदी पर जो संगम है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं कितनी लहर दे रही है नर्मदा नदी का पानी, या मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी का पानी कितनी लहर दे रही है आप देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, वाह क्या गजब का यहाँ पे है दोस्तों, ये देखिए क्या गजब की लग रहा है। बीच समुद्र में आ गए हैं, लेकिन हम बीच हवा जो चल रही है दोस्तों उसके कारण नर्मदा माई का पानी जो है बिल्कुल उछल रहा है। और ये संगम है, हम संगम के पास आ चुके हैं, आप बिल्कुल संगम के पास आ चुके हैं। ये देखिए कितनी शानदार खूबसूरत नज़ारे हैं दोस्तों, चारों तरफ हरियाली पहाड़ी है और बीच में नर्मदा नदी जो है बह रही है नर्मदा माई, और दूसरी तरफ से उधर नर्मदा नदी एक ऐसी नदी है दोस्तों कि जो
से पश्चिम की ओर बहती है, बाकी सब सभी नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है। ये आप देख सकते हैं लोग, यही वो, ये देखिए दोस्तों पानी का जो हवा के कारण जो पानी है वो ऊपर आ रहा है नाव में, बोट में हमारे। ये देखिए दोस्तों, ये जो नदी है दोस्तों, इधर नर्मदा नदी निकल गई है इधर, और इधर नर्मदा नदी निकल गई है दोस्तों महेश्वर मंडलेश्वर की ओर, और यहाँ पर कावेरी नदी इधर से आ गई। हाँ जी, यही भैया बता रहे हैं बोट वाले कि संगम है नर्मदा कावेरी नदी का। ये देख सकते हैं कि यही वो संगम है, और श्रद्धालुओं की भीड़ है दोस्तों यहाँ पर। ये देखिए मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर जो तीर्थ स्थल है दोस्तों, वहाँ की भी मैं दिखा रहा हूँ कि संगम का। ये नर्मदा नदी है और ये कावेरी नदी आकर मिलती है इधर से, इधर से कावेरी नदी आकर मिलती है दोस्तों, और यही है संगम दोस्तों, दो नदियों का संगम। आप पहली बार देख रहे होंगे ओंकारेश्वर तीर्थ स्थल से। ये देखिए दोस्तों, यही वो संगम है, और इधर नर्मदा नदी में मिल जाती है। ये नर्मदा नदी तूफान एकदम बह रही है, और ये दोस्तों ये आई है अपना कावेरी नदी जो कि नर्मदा नदी में मिली है, और इधर जो है मंदिर है अपना दोस्तों, जिधर से मैं अभी आ रहा हूँ वीडियो को शूट करते हुए। और ये आप देख सकते हो दोस्तों, वाह यही है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं ये कावेरी नदी है, और ये संगम है, और ये नर्मदा नदी है, और ये नर्मदा नदी में कावेरी नदी मिल रही है। ये पूरा व्यू दिखा रहा हूँ आपको किस तरीके से दोस्तों, मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में जो कावेरी नदी है वो इसी जगह पे नर्मदा नदी में आकर मिली है, और दो नदियों का संगम हुआ है। और जब जानते हैं कि दो नदियों का संगम होता है, जब दो नदियों का संगम होता है तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि एक नदी जो है पूरे तूफान ले लेती है। आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर क्योंकि सामने से पानी आ रहा है कावेरी नदी का, और हम जो अप स्ट्रीम में चढ़ना चाह रहे हैं, जा रहे हैं बोट के थ्रू, तो पावर भी लग रही है बोट में, और ये श्रद्धालुओं की भीड़ है दोस्तों, तो आप भी इंजॉय कीजिए। ये अब हम कावेरी नदी में आ चुके हैं दोस्तों, नर्मदा नदी से अब हम कावेरी नदी में आ चुके हैं। हम नर्मदा नदी को उधर उधर जो आप देख रहे हैं नर्मदा नदी है, और इधर जो है हम कावेरी नदी में हैं दोस्तों, और संगम को हम क्रॉस कर चुके हैं। और बारिश देख सकते हैं, बारिश का मौसम बन रहा है, मौसम बिगड़ चुका है, बारिश का मौसम बन चुका है दोस्तों। ये देखिए तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये कावेरी नदी है ओंकारेश्वर में, और दोनों तरफ पहाड़ी है और हरियाली है। यहाँ पे बारिश का मौसम है, और बादल जो है पहाड़ के काफी करीब से निकल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पहाड़ को टच कर रहे हो ओंकारेश्वर में, और ये बारिश भी हो रही है लगता है उधर। और हम अभी नदी के बीचों बीच हैं दोस्तों, कावेरी नदी में, और पूरा इस पहाड़ का हम पूरा राउंड लगाएंगे इस नदी के थ्रू, चक्कर लगाएंगे। तो आइए अभी हम आगे भी चलते हैं, तो आपको दिखाएंगे दोस्तों कि कैसा क्या नज़ारा है। अभी आप संगम का नज़ारा देखिए ओंकारेश्वर में, नर्मदा नदी का जो संगम है उसकी खूबसूरती देखिए दोस्तों। सामने हरियाली है, और हम अभी कावेरी नदी में ही है, और ये इस पहाड़ के ऊपर ही सब मंदिर बना हुआ है। आप परिक्रमा कर सकते हैं, पैदल भी दर्शन कर सकते हैं, और मध्य प्रदेश का ये तीर्थ स्थल है दोस्तों, जाना माना तीर्थ स्थल है ये मध्य प्रदेश का। और ये देख सकते हैं कि आप दूसरी बोट में सिक्योरिटी के हिसाब से दोस्तों, वहाँ पर कि अगर नाव से आप गिर गए तो डूब नहीं पाए, इसलिए उन्होंने बांध दिए। और ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत मज़ा।
अभी मौसम बिगड़ गया है और आप देख सकते हैं कि आगे तेज बारिश हो रही है और हम अभी कावेरी नदी में ही हैं और आगे अभी तेज बारिश हो रही है, आप देख सकते हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं कि बारिश तेज हो रही है और अभी हम कावेरी नदी में हैं, तो हमें अब जो वीडियो शूट कर रहा था दोस्तों उसको रोकना पड़ेगा।